अगर मैं कहूं कि आज मैं आपको इतिहास की सबसे संवेदनशील आर्कियोलॉजिकल रेस्टोरेशन वाली जगह दिखाऊंगा तो आप अचरज में मत पड़ जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बंजारा मैन में। और आज हम हैं एक नई जगह पे। ये जो जगह है, कुछ समय पहले तक ये कम्प्लीटली नष्ट हो चुके थे और ये अपनी स्वरूप और संरचना में नहीं थे। बट एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरी हिम्मत, लगन और साहस के दम पर इन मंदिरों को दोबारा खड़ा किया है और आज एक बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र है। तो चलेंगे और देखेंगे कि बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल जो है वो कैसा दिखता है, क्या है उसकी खासियत, और जानेंगे कि पहले क्या थी ये जगह और अब इसमें क्या परिवर्तन आया है। तो चलिए शुरू करते हैं बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल की यात्रा। वैसे तो भिंड, मुरैना और चंबल का इलाका अपने बीहड़ों और अपने डाकुओं के लिए विख्यात है, पर मुरैना और ग्वालियर से लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पर चंबल नदी की घाटी में हरे भरे घने जंगलों के बीचों बीच तकरीबन 25 एकड़ के इलाके में मंदिरों का एक ऐसा समूह है जो पूरे भारत में आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। स्वागत है आपका बटेश्वर मंदिर के समूहों में, और आज हम देखेंगे यहाँ के मंदिरों के पुनरुत्थान की यात्रा, जिसका सबसे रोचक हिस्सा है एक मुस्लिम आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर मिस्टर के मोहम्मद, जिन्होंने इस काम को अपनी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट और यादगार प्रोजेक्ट बनाकर इस जगह को दोबारा जिंदा कर दिया। भगवान शिव, विष्णु और शक्ति को समर्पित लगभग 200 मंदिरों का यह समूह गुर्जर और प्रतिहार वंश के दौर में बनवाया गया था। इनमें से सबसे पुराने मंदिरों का निर्माण लगभग 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान का माना जाता है। कहते हैं कि 1882 के दौरान अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस जगह का दौरा किया था और उसने अपने रिकॉर्ड में कुछ ऐसी जानकारी लिखी थी, परावली या पड़ावली के दक्षिण पूर्व में लगभग 100 से ज़्यादा छोटे बड़े मंदिरों का खंडहर है, जिसमें से अधिकतर मंदिर छोटे हैं। वैसे इस बात का कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है कि ये मंदिर समूह कैसे नष्ट हुए। आक्रमणकारियों से भी नुकसान के कोई स्पष्ट सबूत यहाँ नहीं मिलते हैं, पर आधुनिक खोज के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया है कि लगभग 13वीं शताब्दी के बाद किसी भयावह भूकंप ने इस मंदिर समूह को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। सन 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने इस जगह को संरक्षित घोषित किया और अगले 81 सालों तक ये जगह सिर्फ एक खंडहर के रूप में अपनी पहचान रखे हुए थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि सन 2005 में ASI के अधिकारी के मोहम्मद यहाँ आए और जैसे यहाँ सब कुछ बदल गया। उन्होंने मंदिर के खंडहरों के बीच में से छोटे बड़े अवशेषों को इकट्ठा करके अपनी पूरी टीम की सहायता से यथासंभव मंदिरों के पुनर्निर्माण और उनकी पुनर्स्थापना करने के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शुरुआत की। आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ सिर्फ पत्थरों का खंडहर रहा होगा और आज ये ऐसे तकरीबन गिना जाए तो करीबन 80 मंदिर है यहाँ, और इन 80 मंदिरों को खोद कर निकालना, टुकड़े टुकड़े इकट्ठा करना और फिर ये पता लगाना कि कौन सा मंदिर कहाँ था, कौन सा हिस्सा कहाँ है, और उनको फिर वैसे ही व्यवस्थित करना और आज ऐसी संरचना में खड़ा करना, यकीन मानिए पूरा जीवन निकल जाएगा अगर आप एक सामान्य आदमी हैं। अगर अगर आपको पत्थरों की भाषा पता है, आपको धरती की भाषा पता है, और अगर आप जानते हैं कि कला क्या होती है और उसका अध्यात्म से क्या संबंध है, तो डजंट मेक एनी डिफरेंस कि आप के मोहम्मद हैं या कोई और हैं, आपकी आत्मा में वो चीज़ होनी चाहिए और आप खोज कर निकालेंगे, ये उनका काम है। यानी अगर दिल से कहा जाए ना, तो अभी तक ऐसा काम कहीं भी नहीं देखा, यानी नष्ट हो चुकी चीज़ को उन्होंने दोबारा जिंदा कर दिया है। समझ रहे हैं, हमारी और आपकी ज़िंदगी में एक पूरा वक्त निकल जाता है एक घर बनाने में, और इन्होंने यहाँ एक टूटे हुए खंडहर को, ये पूरा आप देख सकते हैं, और ये पीछे वाली इमारत देखिए, ये आप सिर्फ अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये जगह कितनी ख़राब हालत में रही होगी, क्योंकि आज जो इसकी कंडीशन है वो एक बहुत बड़े मंदिर परिसर, अगर आप यानी अंकोर वाट के मंदिरों को जानते हैं, अगर आप साउथ ईस्ट एशिया के मंदिरों को जानते हैं, तो उसी का एक छोटा प्रतिरूप है ये मंदिर। और यहाँ आएंगे तो आपको फिर अंदाज़ा लगेगा कि हमारे पास कौन सी चीज़ थी, हमने किसे खोया था, और फिर के मोहम्मद साहब ने उसे कैसे ज़िंदा किया है। तो मैं आगे चल के आपको और दिखाता हूँ क्या खासियत है इसकी।
मंदिरों के खंडहर को खड़ा करने के साथ साथ यहाँ दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी डाकुओं की। उस समय इस इलाके में डाकू निर्भय सिंह गुर्जर का साम्राज्य हुआ करता था। ऐसे में इस इलाके में यहाँ आकर काम करना मौत को दावत देने से कम नहीं था। मिस्टर के मोहम्मद ने हिम्मत और साहस से निर्भय सिंह गुर्जर से सीधे मुलाकात की और इस बात को बतलाया कि ये वही जगह है जिसे गुर्जर राजाओं ने अपने कार्यकाल के दौरान बनवाया था। हो सकता है यही गुर्जर राजा डाकू निर्भय सिंह गुर्जर के पूर्वज हों। शायद इसी की रक्षा के लिए किसी ईश्वरीय शक्ति ने उसे यहाँ शरण दी थी। लगभग 40 गांवों के इलाके में 30 साल तक अपना एक छत्र शासन करने के बाद निर्भय गुर्जर भी इस काम का एक हिस्सा बन गया और इस प्रकार शुरू हुई इतिहास की सबसे संवेदनशील पुरातात्विक पुनर्स्थापना परियोजना, जिसमें डाकू निर्भय सिंह गुर्जर और उनके साथियों ने के मोहम्मद और उनकी टीम का पूरा साथ दिया। साल 2005 के अंत तक निर्भय सिंह की हत्या कर दी गई और बाकी साथियों ने भी समर्पण कर दिया। पर ऐसे में समस्याएं खत्म नहीं हुई। अवैध खनन के गोरख धंधे ने यहां की जमीन को बारूद के धमाकों से छलनी करना शुरू कर दिया और हर छोटे बड़े धमाके के साथ इस जगह की मूर्ति संरचनाएं ढहने लगी। हालांकि प्रशासन और राजनीतिक हस्तक्षेप ने कुछ हद तक इसमें रोक भी की, पर दिन रात की अवैध खुदाई और बिना बताई गई माइनिंग और ब्लास्टिंग सभी की आंखों के सामने चलती रही। फिलहाल आज यहां 80 मंदिरों को संरक्षित किया जा चुका है, जिन्हें संस्कृत हिंदू वास्तुकला ग्रंथों में से 4वीं शताब्दी के मानशास्त्र शिल्प और 7वीं शताब्दी के मायामत वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाया गया था। दोबारा संरक्षित किए गए इस मंदिर समूहों की सुंदरता आश्चर्यजनक है और सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि इनके पुनर्निर्माण का काम किस प्रकार से किया गया। स्टील और एरलडाइट की सहायता से पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को मूल संरचना में लाकर इन्हें पहले जैसा सुंदर और आकर्षक अस्तित्व दिया गया है। खजुराहो के मंदिर समूहों से भी लगभग 300 साल पुराने इन मंदिरों के समूहों को आज एक अलग ही रूप दे दिया गया है और इसकी पूरी पुनर्स्थापना के बाद निश्चित रूप से यह दुनिया के सबसे ज्यादा आकर्षक और अद्भुत मंदिर समूहों में से पहचाना जाएगा। बारूद के धमाकों और मंदिर की घंटियों के बीच आज आवश्यकता है हमारे और आपके जागरूक होने की। हम अपनी प्राचीन धरोहर को विश्व में ख्याति दें और दुनिया में अपने इस कलात्मक मंदिर समूह को और भी ज्यादा प्रसिद्ध करें। इन मंदिर समूहों की सजीव यात्रा के लिए बटेश्वर जरूर आइएगा। दिल्ली और ग्वालियर के रास्ते होते हुए बड़ी आसानी से आप इन मंदिर समूहों के दर्शन के लिए यहाँ आ सकते हैं और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले आप इस जगह पे आइए, इस जगह का आनंद लीजिए। इस बार मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए, नहीं। आप सबसे पहले इस जगह पे आइए और देखिए कि इस जगह पे कितना शानदार काम किया गया है। इस जगह को आप देखेंगे तो अपने आप वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सबसे बड़ी बात कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रियजनों के बीच शेयर कीजिएगा, क्योंकि उससे इस जगह के प्रति लोग अवेयर होंगे कि हमारे पास कितनी खूबसूरत जगह है, कितना प्यारा मंदिरों का समूह है और कितने बेहतरीन ढंग से मिस्टर के मोहम्मद जी ने यहाँ काम किया है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया और बाकी जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट में शामिल थे, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। तो मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।